What's happening guys? तो गाइस आज हम लोग हैं पीयूष के बेस में और गाइस आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही सारी चीजें करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आज हम लोग पीयूष का घर थोड़ा अपग्रेड करेंगे और मेरे को एक अपना भी घर बनाना है जहाँ पर मैं अपना बेसिलर डाल सकूं। हाँ मेरे को एक अपना घर बनाना है और ये पीयूष के घर को भी अपग्रेड करना है। यू नो मैं 2 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सी स्किल्स है, यानी कि मैं प्रो हूँ। अपनी तारीफ मेरे को बहुत अच्छे से करने आता है, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, चलो वीडियो में चलते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं पीयूष का घर और मेरे को खाना भी खाना पड़ेगा। ये भाई कुक्ड बीफ है मेरे पास, चलो इसको भी खाते हैं। और यहाँ पर देख लो ये पीयूष का घर और मैं इसको आज अपग्रेड भी करने वाला हूँ और मैं अपने लिए एक नया घर ही बनाने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ इतना चीज़ है, मैं माइनिंग में भी गया था पर मेरे को डायमंड्स नहीं मिले और स्ट्रिप माइनिंग करने में मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं स्ट्रिप माइनिंग नहीं किया, बस केव ही ढूंढ रहा था। वेल डन। तो गाइस मेरे पास अभी आयरन और कोल ये सब है और मैं अभी नया नया आयरन का टूल्स बनाया हूँ और ये देख लो यहाँ पर वीट फार्म पीयूष का। और गाइस मैं इसको आज पूरा अपग्रेड करूंगा, यानी कि दूसरा मंजिल बना दूंगा मैं ऊपर और नया नया और मैं सोचा हूँ लिफ्ट भी बनाने का। सोल सेंट लाना पड़ेगा मेरे को और उसके लिए तो मेरे को डायमंड पिकैक्स और ऑब्सिडियन चाहिए होगा, तो सोल सेंट भी आ जाएगा, उतना ग्राइंड कर लूंगा मैं, सोल सेंट ले आऊंगा और फिर लिफ्ट बना लूंगा। और मेरे पास अभी आयरन और कोल है, मेरे को डायमंड नहीं मिला, मैं माइनिंग पे गया था पर स्टेम माइनिंग नहीं किया क्योंकि मेरे को स्टेम माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं केव ही ढूंढ रहा था और बस अपना आयरन और कोल यहाँ पर रखते हैं। ओके ब्लास्ट फर्नेस में रख देते हैं, यहाँ पर जल्दी हो जाएगा, अपने आयरन जल्दी से मेल्ट करते हैं और उसका मेरे को बहुत सी चीज़ें बनानी है और फिर अभी मेरे को अपग्रेड करना है ना, तो मैं अभी जाता हूँ माइनिंग में, मेरे को डायमंड में ढूंढना है। तो चलो भाई जल्दी से माइनिंग में चलते हैं, वाटर बकेट पानी भर लेते हैं और पानी मेरे को खेत में मिल जाएगा। देखो गाइस ये है मिनी खेत, जब भी पानी चाहिए होता है इधर से उठा लो। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पर कभी कोने से नहीं उठाना। लेट्स गो। मर गया मादर भाई, मेरे शॉट कैसे हो गया था? अरे मैं तो बकेट लेके कूदा था, शॉट कैसे टच हो गया यार? अरे भाई ये जाना दरगले में यहाँ पे दिख रहा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए। ओके मेरे को लगा कि मैं वहां पर पानी रख दिया हूँ तो इसीलिए मैं फिर से खुद गया था। चलो भाई एक और बकेट बनाते और हाँ इस बार बकेट ट्रिक कर लेंगे हम। तो गाइस हमारा बकेट बन चुका है, इसको लेते हैं और इस बार हम लोग वाटर बकेट ट्रिक करके दिखाएंगे, लेट्स गो। ये तरीका भी सही है, इससे मैं जल्दी पहुंच भी जाऊंगा और मेरे को ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा और लेट्स गो। हम लोग आ गए यहाँ पर और ये पानी कहाँ से आ गया? जलवा है हमारा। तो गाइस वेट मेरे को कुछ यहाँ पर रुको अच्छा हुआ मैं यहाँ पर रुक गया था। लेट्स गो वहाँ पर आयरन भी दिख रहा है मेरे को, बस मेरे को वहाँ पर वो ब्लॉक पर कूदना है और उससे पहले मैं एक दो ब्लॉक लगा दूँ मैं, क्योंकि मरना नहीं चाहता इतने सारे सामान के साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, यहाँ पर पानी डाल देते हैं, उसे भी मेरे को ऑब्सिडियन चाहिए ही। चलो जी अब चलते हैं, बस मेरे को लाइट की कमी होगी, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हमारा ये वर्ल्ड का पहला रेडस्टोन एंड गोल्ड, अच्छी किस्मत है हमारी, बस डायमंड नहीं मिल रहे। ओके मेरे को आगे रोशनी दिखाई दे रही है, ओहो हो यहाँ पर तो लावा है पर यहाँ पर कोई डायमंड नहीं नजर आ रहा मेरे को। अरे भाई मिल जाना कोई डायमंड। ओ भाई साहब अभी मैं मरता, यहाँ पर भी कोई डायमंड नहीं, लगता है मेरे को फिर से पीछे जाना पड़ेगा और चलो फिर से पीछे चलते हैं। ओके गाइस हम लोग स्ट्रिप माइनिंग करेंगे क्योंकि मेरे को कोई केव तो मिल नहीं रहा है। ओ, 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 रुको 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 भाई मेरे को चूहे मिले तो मिले, डायमंड भी मिल गए। अरे यार ये देखो, ओ भाई मैं बोलने वाला था अभी तक डायमंड नहीं मिला पर मिल गया ये भाई, लगता है बहुत सारे यहाँ पर डायमंड्स है भाई। स्ट्रीम माइनिंग का फायदा हुआ, अब से मैं स्ट्रीमिंग माइनिंग करूंगा भाई, केव ढूंढो फिर लावा ढूंढो वहां पर मिलते हैं डायमंड्स ज्यादातर भाई, स्ट्रीम माइनिंग करने से फायदा तो हुआ और यहीं पर मिल गया, बस वहां से मेरे को ऊपर जाना था। चलो चलो जल्दी चलते हैं। A few moments later. तो गाइस हम लोग बहुत मेहनत के बाद समुद्र से केल्प और नेदर से ऑब्सिडियन और सोल सैंड लेके आए हैं, और नेदर से ऑब्सिडियन ने सिर्फ सोल सैंड लाए थे। और हाँ मेरे को यहाँ पर कैप लगाना है, पहले तो मेरे को यहाँ पर वाटर डालना पड़ेगा, तो चलते ऊपर और देख लो जिसको वाटर वाला लिफ्ट बनाना नहीं आता सीख लो, मैं बहुत ज्यादा प्रो हूँ। ओके बहुत ही ज्यादा प्रो हूँ, यहाँ से पानी लीक हो रहा है।
और मेरा ग्लास खत्म हो गया था, फिर से बनाना होगा यार ग्लास। अरे यार छोड़ो, यहाँ पर मैं वुड लगा देता हूँ, अभी के लिए तो चलता है यार, अभी के लिए मैं बाद में यहाँ पर लगा दूंगा ग्लासेस। तो इसको उठाओ और यहाँ पर लगाओ वुड, और ये मैचिंग भी खा जाएगा घर से, तो चलो हाँ ठीक है। अब यहाँ पर भी वुड, अरे लग जा, और क्यों खा रहा, लग जा। हाँ चलो ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर कैल्प लगाना है। चलो कैल्प लगाना शुरुआत करते हैं। तो कुछ ऐसे कैल्प लगाना होता है और फिर इसको नीचे जाकर तोड़ देना रहता है। अब इसको नीचे जाके तोड़ देना है और इसको भी तोड़ देना है, और बस यहाँ पर सोल सेंड लगाना है, और यहाँ पर बन गया वाटर लिफ्ट जैसे वर्क करेगा। और हाँ गाइस, मैं पूरा बना चुका हूँ घर, वो नहीं दिखाया, पर पहले लिफ्ट दिखाने लग जा रहा हूँ भाई। पूरा घर बना लिया, वो देख लो यार, ये देखो मैं कितना अच्छा पूरा 2 मंजिल का घर बनाया हूँ। चलो मैं पूरा घर दिखाते, देखो कुछ अभी ऐसा लग रहा है। मेरे को भी कैंप फायर भी लगाना है पीछे, जैसा पीयूष का घर में था पहले, वैसा भी करना है। और नीचे से सब वैसा भी है, वैसा ही है। और यहाँ बस यहाँ पर मैं थोड़ा लेडर लगाया हूँ, और ये ऊपर जाने तक रास्ता है। और यहाँ पर है एक मास्टर बेडरूम जो बहुत ही बढ़िया है। जितने भी चीज़ें मेरे पास थी, ये पॉट आ गए विलेजर लोग के पास से, ये भूसे से आ गए, बस मेरे को लीव्स कटर बनाना पड़ा, और ये सब नॉर्मल बेड ही लगा हुआ है। भाई मैं क्या दिखा रहा हूँ। और भाई जो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे को टाइम लगा बनाने में, ये है एक वाटर लिफ्ट। वहाँ पर मैं नेदर बनाया हूँ, वो देख लो वहाँ पर दिख रहा होगा, नेदर पोर्टल बनाया हूँ। और यहाँ पर है लिफ्ट, वो भी बहुत स्पीड वाली, हम लोग यहाँ से आ सकते हैं वो क्या स्पीड में आए, और उतरने का है तो हम लोग यहाँ पर स्लो मोशन से उतर सकते है। तन्ने को भी बना सकता हूँ, पर वो अभी नहीं भाई, बहुत मेहनत हो गया। अभी मेरे को अपना घर भी बनाना है, मैं अभी एक अपना छोटा सा एक प्यारा सा घर बना लेता हूँ। और देख लो गाइस, अभी कुछ ऐसा पीयूष का घर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर पीयूष का घर। अब मैं सोच रहा हूँ मैं अपना घर कहाँ बनाऊँ, और मैं सोच रहा था कि पहले अंडरग्राउंड बनाते हैं, पर मैं सोचा नहीं भाई मजा नहीं आएगा, बाहर ही बनाते हैं। तो हाँ चलो मैं अपना घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैं अपना घर बनाऊंगा, थोड़ा दूरी बनाऊंगा यहाँ से, तो मैं अपना घर बनाने वाला हूँ यहाँ पर। हाँ यहाँ पर प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर बना लेंगे। चलो A few moments later. तो गाइस जो भी मेरा घर बना है ना, भयंकर घर बना है भाई, पता नहीं टेराकोटा कहाँ से मिल गया मेरे को। वहाँ पर उस तरफ मैं सीधा गया था, मेरे को टेराकोटा मिल गया था, और टेराकोटा मिल गया भाई, उससे भयंकर घर बनाया यूट्यूब में टिप्स देख देख के। ये देख लो भाई क्या मस्त बना है। नहीं अभी पूरा नहीं दिखाएंगे, अगले वीडियो में पूरा दिखाएंगे अंदर घुस घुस के, अंदर ही मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब लाइक से कर देना, सब्सक्राइब तो कर देना। और गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और वो घर नहीं दिखाना मेरे को, अगले वीडियो में दिखाएंगे ये। बाय बाय।